Hello fish keepers, hope all are good. Today topic is unboxing of German Blue Ram. आज हम देखेंगे कि जर्मन रैम को हम कैसे अनबॉक्स कर रहे हैं, कैसे एक्लिमेट करेंगे और कैसे उसको टैंक में रिलीज़ करेंगे. एंड देन हाउ वी विल आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल ऑफ जर्मन ब्लू रैम. इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, हम बताएंगे आपको. अब फिलहाल आप देख सकते हो कैसे हमने पैकेज को ओपन किया है एंड स्लोली जो इसके अंदर लाइफ प्लान्स है उसको हम छोटे से ब्रीडिंग बॉक्स में डाल रहे हैं. देन लेटर ऑन उसको फिर हम पैक को हम टैंक में डाल के एक्लिमेट के लिए छोड़ देंगे, विच इज़ 15 to 20 minutes. होप आप सबको पता है, बट नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है वो देखिए कि हम एक्लिमेशन के लिए थोड़ा सा जो है पानी, जो ओल्ड वाटर हमारे टैंक का है, वो पैक के अंदर डाल के उसको 15-20 minutes के लिए रख देंगे, सो दैट फिश उसको उस वाटर कंडीशन को एब्जॉर्ब करे, सडन शॉक में ना जाए है एंड ईजिली वो टैंक को एडजस्ट हो जाए. जर्मन ब्लू रैम की जनरली 4 स्पीशीज नोन है, ब्लू रैम, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम, जर्मन रैम, बोलिवियन रैम एंड गोल्डन रैम. हमने आज जर्मन रैम लाया और उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं. और यस, उसमें मेल जो होता है उसकी ब्लैक स्पॉट के अंदर जो पर्ल स्पॉट्स होते हैं वो नहीं होते, और फीमेल के अंदर ब्लैक स्पॉट के अंदर पर्ल स्पॉट्स होते हैं. दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल इन गोल्डन रैम. थैंक यू.